नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो DATPLSB के द्वारा हाल ही में एक बड़ी अपडेट जारी की गई है, और अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात करें अपडेट के बारे में तो DATPLSB के द्वारा 4, 5 और 6 तारीख में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। पहले भी जो है DATPLSB के द्वारा जो एडमिट कार्ड है जारी किए गए थे, तो 2 से लेकर 8 तक के पहले जारी किए गए थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उसमें डाउनलोड नहीं हो पाए थे, तो उसमें 2 तारीख वालों के लिए जो डाउनलोड हो रहे थे। तो अब जो यहाँ पर 4, 5 और 6 तारीख में जिसका भी एग्ज़ाम है उनके लिए एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर 4, 5 और 6 में किस किस का एग्ज़ाम है। तो 4 तारीख में आप देख सकते हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 221 पोस्ट कोड ये रहेगा, TGT मैथ मेल, हिंदी मेल, और उसके बाद जो है 5 तारीख है इसमें TGT हिंदी की है, बंगाली, और उसके बाद हिंदी, टेक्निकल असिस्टेंट, TGT संस्कृत, और जो 6 तारीख है इसमें है सोशल साइंस मेल का। तो इनके एडमिट कार्ड आ गए हैं, और अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से सीधे आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब जब हम एडमिट कार्ड पर चलते हैं कि कैसे आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, तो जो आपको जो नीचे लिंक दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो आपको जो है एक नए पेज पर लेकर जाएगा। तो अब हम उस पेज पर चलते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपको इस पेज पर लेकर आएगा। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपने एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऐसे होनी चाहिए जिस प्रकार यहाँ पर दी गई है, DD, उसके बाद ये जो है यहाँ पर स्लैश है ऐसे दिया गया है, MM, और उसके बाद फिर स्लैश है और YY, और उसके बाद लॉगिन करना है। तो जैसे जो है मैंने इसमें या पहले से ही जो है फिल कर रखा है, तो इसको जो अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन नंबर और DOB के द्वारा। तो आपके सामने जो है दोबारा से इस तरह का एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल है और यहाँ पर एडमिट कार्ड है। तो अब जो हम यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही हम एडमिट कार्ड पर जो है क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक नया ऑप्शन आएगा, जिसमें आपके सामने ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है ये दिया गया होगा, आप ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो एडमिट कार्ड है 4, 5 और 6 तारीख के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो अपडेट है DATPLSB के द्वारा हाल ही में जारी की गई है। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटी वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।